नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में फिर फरवरी 2019 की तरह आतंकी हमले की कोशिश हुई है, लेकिन सुरक्षा बलों ने समय रहते कार्रवाई करके उसे नाकाम कर दिया है। आपको याद है ना 14 फरवरी 2019 कैसे वहां पे आतंकी हमला हुआ था। इस बार भी वही मॉडस ऑपरेंडी अपनाई गई थी। 20 किलो आईडी बरामद हुई है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुछ आतंकवादी एक विस्फोटक से लदी कार से जा रहे थे। इसको लेकर के पहले जानकारी मिल गई थी। जब जैसे ही सुरक्षा बलों ने उसे रुकने का इशारा किया, वहाँ पर फायरिंग हुई। इसके बाद जब घेराबंदी हुई तो ड्राइवर अंधेरे का लाभ उठा करके भाग गया। सुरक्षा बलों ने वाहन को कब्जे में ले लिया और इस कार को बताया जा रहा है कि हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी चला रहा था। सुरक्षा बलों ने कार के पास जा करके देखा तो पिछली सीट पर एक विस्फोटक से भरे नीले रंग के ड्रम रखे थे। सुरक्षा बलों ने रात भर की उसकी निगरानी की। इसके बाद आसपास के घरों को खाली कराया। बाद में वाहन को धमाका कर उड़ा दिया और आतंकी बताया जा रहा है किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। कार पर स्कूटर की नंबर प्लेट लगी थी जिसका रजिस्ट्रेशन कठुआ जिले का मिला है। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के इसी पुलवामा के अवंतीपुरा इलाके में सीआरपीएफ के काफिले पर फिदायीन हमला हुआ था। गोरीपुर गाँव के पास हुए इस हमले में 44 जवान शहीद हो गए थे। आत्मघाती हमलावर ने बस विस्फोटक से लदी गाड़ी सीआरपीएफ जवानों को ले जा रही बस से टकरा दी थी। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद ने ली थी। पुलवामा हमला कश्मीर में 30 साल का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। आतंकियों ने हमले के लिए 350 किलो आईडी का इस्तेमाल किया था। आपको यह भी याद होगा कि इस घटनाक्रम के बाद भारत ने पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक किया था। उसको लेकर के खासा बवाल हुआ था और भारत ने पाकिस्तान को यह चेताया था कि जब भी हमारे क्षेत्र में ऐसी कोई घटना होगी जिसमें पड़ोसी मुल्क का हाथ निकलेगा तो भारत अपनी रक्षा में, अपनी आत्मरक्षा में ऐसी कार्रवाई करता रहेगा। उस दौरान आपको ये भी याद होगा कि दोनों देश आमने सामने आ गए थे और एक बार फिर वैसी ही कोशिश हुई है। ये बात अलग है कि सुरक्षा बलों ने समय रहते बड़े हमले को टाल दिया, बचा लिया। अब जैसे इसमें और कोई इनपुट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।